हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पढ़ने के सीरीज में ये है आज का लेक्चर नंबर 3 और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के 4 प्रॉब्लम्स एट ए टाइम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के 2 वीडियोज़ बनाए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले कवर किए थे। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के 4 प्रॉब्लम्स एट ए टाइम स्टडी करना है। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम्स कैसे रहेंगे। इसके पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के जो 2 वीडियो बनाए थे उसमें हमने पॉइंट्स के पोजीशंस के बारे में स्टडी किए थे और फ्रंट व्यू टॉप व्यू के बारे में स्टडी किए थे और आज हमें प्रॉब्लम स्टडी करना है। वैसे फर्स्ट वीडियो में अगर हम देखें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का, जो हमने फर्स्ट वीडियो आपको दिए थे उसमें हमने पोजीशंस के बारे में स्टडी किए थे। पोजीशंस का क्या मतलब है ये देखिए, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स का एक यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल व्यू, इट मीन्स एक आइसोमेट्रिक व्यू आपके सामने है। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये क्वाड्रेंट नंबर 1, यहाँ 1 लिखा है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4 और ये क्वाड्रेंट्स बने हैं 2 प्लेन से। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पे लिखा है HP, और ये वर्टिकल प्लेन है, यहां पे लिखा है VP, और ये दोनों प्लेन से यहां पे 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं। अगर कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्वेश्चन में लिखा होता है पॉइंट इज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो क्वेश्चन में लिखा होता है पॉइंट इज अबव HP एंड बिहाइंड VP। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो क्वेश्चन में लिखा होता है पॉइंट इज बिलो HP एंड बिहाइंड VP। और अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्वेश्चन में लिखा होता है बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। ऐसे पॉइंट का पोजीशन क्वेश्चन में लिखा होता है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स या प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस जो हमें आगे चल के पढ़ना है, ये जब भी आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इनके टॉपिक के ऊपर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इनके प्रॉब्लम्स में हमेशा इस टाइप के वर्ड्स आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। कभी अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP लिखा रहेगा, कभी अबव HP बिहाइंड VP लिखा रहेगा, कभी बिलो HP बिहाइंड VP लिखा रहेगा, तो कभी बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये हमेशा पॉइंट्स के पोजीशंस के लिए होते हैं जब पॉइंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में तो पॉइंट्स के पोजीशंस के बारे में बताए थे। सेकंड वीडियो की अगर बात करें, सेकंड वीडियो में हमने क्या किए थे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के बारे में बताए थे। हमने बताए थे कि अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसका फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है, XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू और XY लाइन के नीचे टॉप व्यू अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो हमने बताए थे कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY लाइन के ऊपर बनेंगे। अगर वही पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू नीचे बनेगा और टॉप व्यू ऊपर बनेगा। और अगर वही अगर पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमने बताए थे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों XY लाइन के नीचे बनेंगे। ये हमने पूरी तरह से इसके पहले एक्सप्लेन किए थे, तो वो दोनों वीडियोस आप देख के ये पूरी तरह से ये स्टडी कर लीजिए। थोड़ा वीडियोस जो है इसके पहले के थोड़े से लंबे हैं, लेकिन वो वीडियोस आप पूरा देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए फाइनली आज जो हमें प्रॉब्लम्स, जो हमें 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम्स अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो फाइनली जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के हमें 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो 4 प्रॉब्लम्स आपके सामने है। देखिए ये 4 प्रॉब्लम्स है, ये 4 प्रॉब्लम्स आज हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट्स के यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम पढ़ते समय जो पोजिशंस है उसको आपको अंडरलाइन करना है, देन आपको इसको सॉल्व करना है और ड्रॉ करना है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द पॉइंट ए, देखिए द पॉइंट ए इज 40 mm अबव HP। देखिए अबव HP लिखा है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अबव HP माने पॉइंट का पोजीशन दिया है। एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP, देखिए इन फ्रंट ऑफ VP आ गया, इसको अंडरलाइन करिए। देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमेशा पॉइंट का पोजीशन दिया होता है, अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP ऐसा लिखा होगा, या तो अबव HP बिहाइंड VP ऐसा लिखा होगा, या तो बिलो HP बिहाइंड VP ऐसा लिखा रहेगा, या तो बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP ऐसा लिखा रहेगा। तो जो भी पोजीशन है उसको आपको अंडरलाइन करना है, उसी से आपको उसके क्वाड्रेंट्स का पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP ऐसा हमने अंडरलाइन कर लिए। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए जो है ये 40 mm अबव HP माने XY लाइन के ऊपर है, और यहाँ पे लिखा है 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने होता है, अबव माने ऊपर, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन दिया है। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन दिया है तो आगे
लिखा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, इसका मतलब हमें इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है, ये हम समझ चुके हैं, क्योंकि अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी जैसा हमने इसके पहले बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन होता है। तो अब हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमने ऑलरेडी इसके पहले बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर होता है और टॉप व्यू नीचे होता है। तो चलिए यहां पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहां पे हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन यहां पे ड्रॉ करा के रखा है, रेफरेंस लाइन माने एक्स वाई लाइन, और ये एक्स वाई लाइन का यूज करके हम ड्रॉ करेंगे। और हमें यहां पे सबसे पहले एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। तो ये प्रोजेक्टर जो है हम यहां एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज करके 90 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने एक प्रोजेक्टर बना लिए और ये प्रोजेक्टर पे आप जो है पॉइंट का प्रोजेक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली चेक करेंगे तो पॉइंट इज 40 mm अबव एचपी, मतलब एक्स वाई लाइन से ऊपर 40 mm। देखिए अबव एचपी, अबव माने ऊपर, तो आपके आपको क्या करना है, एक्स वाई लाइन से 40 mm ऊपर जो है आपको पॉइंट का फ्रंट व्यू शो करना है। तो देखिए पॉइंट का फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा 40 mm ऊपर। तो ये देखिए, ये हमने 40 mm ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ये हमने 40 mm ऊपर ले लिए, ये हम इसको नेमिंग देंगे एज ए डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू को हमेशा डैश से शो किया जाता है और टॉप व्यू के पॉइंट्स में कभी भी डैश नहीं होता। तो ये हमने 40 mm ऊपर ए डैश शो किए, और अब यहाँ पे लिखा है 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ मतलब नीचे रहेगा, तो यहाँ पे हमें टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करना है 50 mm नीचे। तो यहाँ से हम 50 mm नीचे जो है, ये देखिए, ये हमने 50 mm नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ये टॉप व्यू का पॉइंट है, और अब हम इसको नेमिंग देंगे एज अ ए। तो फाइनली हमने ए डैश माने पॉइंट का फ्रंट व्यू जो है वो हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर रखे 40 mm ऊपर, और ए जो है वो टॉप व्यू का पॉइंट है और वो हमने एक्स वाई लाइन के नीचे रखे हैं। और अब हमें यहाँ पे डायमेंशंस भी लिखना है। देखिए एग्जाम में जब आता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की प्रॉब्लम, तो आपको डायमेंशन भी लिखना होता है। तो अब हम यहाँ पे डायमेंशंस लिखेंगे कि ये कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो फाइनली हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। पहला प्रॉब्लम यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो गया। पहले प्रॉब्लम में जो लिखा था उसका उसके अकॉर्डिंग ये उसका सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम था इसीलिए। अब चलिए सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पॉइंट ए इज 40 mm अबव एचपी। देखिए यहाँ लिखा है अबव एचपी, अबव एचपी लिखा है, हम उसको अंडरलाइन करेंगे। पॉइंट ए इज 40 mm अबव एचपी एंड 50 mm बिहाइंड वीपी। देखिए बिहाइंड वीपी लिखा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट नंबर टू में है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, तो ये अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेंट नंबर टू, इसका मतलब पॉइंट जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अबव एचपी और बिहाइंड वीपी ये सेकंड क्वाड्रेंट का पोजीशन होता है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो हमने बताए थे कि सेकंड क्वाड्रेंट का जब भी आप प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे तो आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो चलिए यहां पे दोनों अगर एक्स वाई लाइन के ऊपर अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो हम सबसे पहले यहां पे एक प्रोजेक्टर बनाएंगे एक्स वाई लाइन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो ये देखिए एक्स वाई लाइन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्टर हम बनाएंगे। प्रोजेक्टर जो है वो फेंट होना, तो ये हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यहाँ पे प्रोजेक्टर बना लिए, और अब ये प्रोजेक्टर के ऊपर आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू शो करेंगे, और दोनों के दोनों जो है वो हम ऊपर शो करेंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है। तो ये हम ए डैश और ए दोनों जो है वो ऊपर शो करेंगे। फ्रंट व्यू जो है वो 40 mm ऊपर रहेगा, तो ये हमने 40 mm ऊपर यहाँ पे फ्रंट व्यू का पॉइंट लिए हमने ए डैश, ये देखिए ये फ्रंट व्यू का पॉइंट है, और टॉप व्यू का पॉइंट जो है वो 50 mm ऊपर रहेगा। तो ये देखिए ये 50 mm ऊपर यहाँ टॉप व्यू का पॉइंट रहेगा, तो ये ए, ये टॉप व्यू का पॉइंट है। देखिए इसके पहले जो हमने सॉल्व किए थे उसमें भी हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रंट व्यू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉप व्यू ऐसा। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमने ए डैश शो किए 40 mm ऊपर, तो ये है फ्रंट व्यू, और ए हमने शो किए माने टॉप व्यू हमने शो किए 50 mm ऊपर, तो ये हो गया टॉप व्यू। तो ये देखिए फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था कि पॉइंट ए इज 40 mm अबव एचपी, ये देखिए पॉइंट ए जो है वो 40 mm अबव एचपी है, माने एक्स वाई लाइन से ऊपर 40 mm ऊपर एंड 50 mm बिहाइंड वीपी। इसका मतलब एक्स वाई लाइन से 50 mm ऊपर हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमने इसके पहले के वीडियोज में बताए थे कि सेकंड क्वाड्रेंट में आप जब भी बनाते हैं तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो है वो दोनों के दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर बनते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पोजीशन होता है। तो फाइनली ये हमने लिख लिए, और अब हमें यहाँ पे डायमेंशन शो करना है। एग्जाम में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो डायमेंशंस के साथ शो किया करो, उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं।
तो फाइनली ये सेकंड क्वाड्रेंट का ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये सेकंड प्रॉब्लम होने के बाद अब हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। देखिए थर्ड प्रॉब्लम जो लिखा है उसको आप प्रॉपरली पढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले पोजिशंस आपको ढूंढना है, पोजिशंस को अंडरलाइन करना है, देन आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम प्रॉपरली चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है पॉइंट ए इज 40 mm बिलो एच पी। देखिए पोजिशन हमें मिल गया, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, बिलो एच पी लिखा है एंड 50 mm बिहाइंड वीपी। देखो बिलो एच पी और 50 mm बिहाइंड वीपी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। बिलो एच पी एंड बिहाइंड वीपी, बिहाइंड मतलब पीछे, बिलो मतलब नीचे, बिलो एच पी मतलब एच पी से नीचे और बिहाइंड वीपी मतलब वीपी के पीछे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन है, थर्ड क्वाड्रेंट के पोजीशन में हमेशा बिलो और बिहाइंड ये लिखा होता है। तो फाइनली ये थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने बताए थे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो है वो कहाँ बनता है। फ्रंट व्यू जो है वो आपको एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करना है और टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। और ये समझना बहुत आसान है क्योंकि हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा अपोजिट होता है, उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी अपोजिट होता है। तो आपको चारों क्वाड्रेंट्स का याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो क्वाड्रेंट का याद करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का हमेशा याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम हमने ये जो सॉल्व किए थे उसमें फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे बनाए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमेशा फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जैक्टली उल्टा करना, अपोजिट करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे बनाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू नीचे बना देंगे, टॉप व्यू ऊपर बना देंगे, मतलब इसका उल्टा। तो वो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में करना है। और यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो अगर कोई प्रॉब्लम फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर कोई पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आपको इसका उल्टा करना है। यहाँ पे हमने दोनों व्यूज ऊपर बना दिए, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम अगर हो तो हम क्या करेंगे, दोनों व्यूज नीचे बना देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि बिलो एच पी बिहाइंड वीपी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए एक प्रोजेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक मिनट। तो ये हम यहाँ पे एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप 90 डिग्री का एंगल लेंगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। तो ये देखिए ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बना लिए और अब यहाँ पे बिलो एच पी बिहाइंड वीपी ऐसे शो करना है 40 mm बिलो एच पी, मतलब एक्स वाई लाइन से नीचे 40 mm लेंगे आप। तो एक्स वाई लाइन से नीचे हमने ये 40 mm पे एक पॉइंट ले लिए, ये देखो ये 40 mm नीचे हमने पॉइंट ले लिए, इसका मतलब फ्रंट व्यू का पॉइंट नीचे आ गया, ये फ्रंट व्यू है। और यहाँ पे लिखा है एंड 50 mm बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी मतलब ये ऊपर बनेगा, तो ये 50 mm ऊपर बनेगा। तो ये देखिए ये हमने 50 mm ऊपर बना दिए, तो सबसे ऊपर ये बन गया 50 mm ऊपर, हम इसको कहेंगे ए और ये है टॉप व्यू का पॉइंट। और अब आपको पॉइंट्स के पोजिशंस के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फाइनली हमने ये थर्ड क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे द पॉइंट ए इज 40 mm बिलो एच पी। देखिए लिखा है बिलो एच पी, इसके पहले के प्रॉब्लम में भी बिलो एच पी वर्ड लिखा था, देखिए बिलो एच पी यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा है बिलो एच पी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। देखिए इन फ्रंट ऑफ वीपी लिखा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट नंबर फोर हो गया। क्वाड्रेंट नंबर फोर का पोजीशन हमेशा बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है। तो ये क्वाड्रेंट नंबर फोर में अब हम आ गए और क्वाड्रेंट नंबर फोर में क्या होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में बनाए थे उसका एग्जैक्टली उल्टा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर बनाए थे। तो अब अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो बहुत आसान है, आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों नीचे ड्रॉ करना है। तो आइए यहाँ पे दोनों नीचे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इट मीन्स एक प्रोजेक्टर हम ड्रॉ करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो ये हमने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एक प्रोजेक्टर यहाँ बना लिए और अब ये प्रोजेक्टर पे आप क्या करेंगे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों शो करेंगे। तो आइए दोनों यहाँ पे शो करेंगे। तो 40 mm बिलो एच पी ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, देखिए 40 mm बिलो एच पी लिखा है। तो एक्स वाई लाइन से नीचे 40 mm हम एक पॉइंट लेंगे, तो ये देखिए ये पॉइंट आ गया 40 mm नीचे ए डैश, तो ये फ्रंट व्यू नीचे आ गया। और 50 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी लिखा है, मतलब जो टॉप व्यू का पॉइंट है वो आप 50 mm नीचे ले लेंगे। तो ये हमने 50 mm नीचे टॉप व्यू का पॉइंट दे दिए ए, तो यहाँ देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों जो है वो नीचे आ गए। और अब हम दोनों में डायमेंशंस यहाँ लिख लेंगे।
तो फाइनली इस तरह से हमने ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के फोर प्रॉब्लम आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिए। देखिए ये जो फोर प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं ये फोर क्वाड्रेंट्स के ऊपर पूरे डिपेंडेंट थे और ये प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, ये आप अच्छे से स्टडी करिए, अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ करिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पोजिशंस, देखिए पोजिशंस के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किए हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको पहले पोजिशन अंडरलाइन करना है, देन आपको पोजिशंस का यूज करके कौन सा पोजिशन है वो आपको सोचना है, जो भी पोजिशन होगा वो पोजिशन के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे ड्रॉ करना है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर ड्रॉ करना है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का उल्टा करना माने फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू ऊपर करना, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो सेकंड क्वाड्रेंट का उल्टा करना फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों नीचे ड्रॉ करना। तो ये प्रॉब्लम्स आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का आज का लेक्चर नंबर 3। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, और याद से इसके पहले के दो वीडियो जो कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के थे वो आप देख लीजिएगा, वो देखने के बाद आपका पोजीशंस और फ्रंट व्यू टॉप व्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के इसके पहले के टॉपिक्स भी अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो वो भी आप टॉपिक स्टडी कर सकते हैं। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।